अब हम समझ गए हैं कि सभी सहायक उपकरणों को कैसे असेंबल करना है और एक कंप्यूटर सेटअप करना है। अब इसमें जीवन देते हैं। चलिए इसे चालू करें। एक कंप्यूटर को चालू करने के लिए पहले सिस्टम यूनिट और मॉनिटर दोनों के लिए पावर आपूर्ति चालू करें, फिर सिस्टम यूनिट का पावर बटन दबाएं। यह अक्सर सिस्टम यूनिट में सामने की ओर होता है। सुनिश्चित करें कि सिस्टम यूनिट की एलईडी चालू हो। अब मॉनिटर को स्विच ऑन करें। इसे स्विच ऑन करने के लिए पावर बटन दबाएं, जो मॉनिटर के सामने या नीचे की ओर स्थित होता है। सुनिश्चित करें कि मॉनिटर का एलईडी चालू हो। कुछ ही सेकंड में मॉनिटर पर डिस्प्ले प्रदर्शित होगा। यहां पर आप कंप्यूटर के चालू होते ही बूट स्क्रीन देख सकते हैं। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि विंडो डेस्कटॉप स्क्रीन यहां पर दिखने नहीं लगती। अब हमारा कंप्यूटर प्रयोग के लिए तैयार है। जब हम कंप्यूटर चालू करते हैं तो कुछ आम समस्याएं आती हैं। यहां तक कि कभी कभी हो सकता है कि कीबोर्ड या माउस काम नहीं करते हैं। इन समस्याओं से हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही इन समस्याओं को सुलझा सकते हैं। चलिए हम कुछ आम समस्याओं को और उन्हें सुलझाने के तरीकों को देखते हैं। हमने सिस्टम यूनिट और मॉनिटर की पावर आपूर्ति स्विच ऑन कर दी है और सिस्टम यूनिट का पावर बटन दबा दिया है, फिर भी सिस्टम यूनिट का एलईडी चालू नहीं होता है और सिस्टम चालू नहीं हुआ है। इस मामले में हमें दोबारा जांच करनी होगी कि क्या केबल का कोई कनेक्शन ढीला तो नहीं है। यह सलाह दी जाती है कि उसे हटाएं और प्लग इन करें और कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को दोहराने का प्रयास करें। कंप्यूटर चालू करने के बाद यदि बूट स्क्रीन फिर भी नहीं दिखती है तो जांचें कि क्या मॉनिटर चालू हो गया है। मॉनिटर के कनेक्शन की जांच करें या दोबारा कनेक्ट करें। कंप्यूटर तो चालू हो गया है, लेकिन हम कीबोर्ड और माउस का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए हमें चाहिए जांच करें कि क्या कीबोर्ड या माउस सही पोर्ट से कनेक्ट किया है। कीबोर्ड या माउस के कनेक्टर को जांचें कि क्या वह टेढ़ा टूटा तो नहीं है या कोई पिन तो गुम नहीं है। अपने कीबोर्ड या माउस को दोबारा कनेक्ट करने का प्रयास करें। अपने कंप्यूटर को दोबारा चालू करें और देखें कि क्या यह सही हुआ है। चलिए सारांशित करते हैं जो हमने इस पाठ में पढ़ा है। कंप्यूटर सेटअप करने के लिए हमें सभी पुर्जों को सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करने की जरूरत होती है, जैसे मॉनिटर, माउस और प्रिंटर। मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए VGA केबल के एक सिरे को सिस्टम यूनिट के वीडियो पोर्ट से कनेक्ट करें और दूसरे हिस्से को मॉनिटर से। मॉनिटर को उसके पोर्ट का प्रयोग करते हुए सिस्टम यूनिट में कनेक्ट करें। दो विद्युत आपूर्ति केबल का प्रयोग करते हुए सिस्टम यूनिट और मॉनिटर के लिए विद्युत आपूर्ति प्रदान करें। एक कंप्यूटर चालू करने के लिए सिस्टम यूनिट और मॉनिटर दोनों के लिए विद्युत आपूर्ति स्विच ऑन करें और फिर सिस्टम यूनिट का पावर बटन दबाएं।